हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स, थिएटर में फिल्म तो रिलीज नहीं हो रही है तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, वेब सीरीज। और जियो सिनेमा में एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, मर्डर इन माइंड। तो इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ और साथ में ये भी बताऊंगी कि आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो स्टोरी ये है कि एक रेलवे स्टेशन है जिसका कोने वाला बाथरूम ना कई सालों से रेड लाइट एरिया की तरह यूज हो रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पर यहाँ पर ना लड़के लड़की से ज्यादा सेम जेंडर वाले ज्यादा लोग पाए जाते हैं। सब कुछ बहुत आराम से चलता है और एक दिन ये रेलवे प्लेटफॉर्म मशहूर हो जाता है क्योंकि इस कोने वाले बाथरूम में कटी पटी लाश मिलती है। और शॉकिंग बात ये है कि इस कटी पटी लाश की किडनी गायब है और खून देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेंटिंग की हो। और मुंबई पुलिस को खुल्लम खुल्ला चैलेंज मिला है कि वो अगले शिकार को बचा लें। और अगला शिकार कौन होगा, उस शिकार का नाम डेड बॉडी के हाथों में बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो फ्रेंड्स, ये सीरीज ना सस्पेंस से भरी पड़ी है और क्लाइमैक्स तो ऐसा है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो रीजन नंबर वन ये है कि जरूरी नहीं है कि 200 करोड़ की सीरीज बनाकर ही ऑडियंस को इम्प्रेस किया जा सकता है। एक अच्छी स्क्रिप्ट से बिना ऑडियंस को इम्प्रेस किया जा सकता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और रीजन नंबर टू ये है कि इस सीरीज में ना विजय राज और आशुतोष राणा है जिनकी सीरियस एक्टिंग देखकर यही लगता है कि ये बंदा कुछ तो छुपा रहा है, जलवा है हमारा। और रीजन नंबर थ्री ये है कि ये सीरीज ना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा या क्या हो सकता है ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और लास्ट रीजन ये है कि इस सीरीज में ना आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंडिंग बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। बस पेशेंस के साथ लास्ट तक इसको देखते रहना। सो फ्रेंड्स, ये सीरीज ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आई एम डैम श्योर आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप लोगों में से किसी ने ये सीरीज देख लिया तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।